नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अजय देवगन की एक फिल्म आई है मैदान, जो कि कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि सत्य घटना के ऊपर है। फिल्म मैदान में अजय देवगन उस महान व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जिसने नंगे पैर फुटबॉल खेलने वाली टीम इंडिया को जूते पहनकर और जीतना सिखाया, और इसी वजह से साल 1950 से 1963 तक ये महान व्यक्ति इंडियन फुटबॉल टीम के कोच भी रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैयद अब्दुल रहीम की, जिन्हें आज भी इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन एज माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल्म मैदान और सैयद अब्दुल रहीम की पूरी कहानी बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अगस्त 1909 को हैदराबाद में सैयद अब्दुल रहीम का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है अब्दुल रहीम बचपन से ही स्पोर्ट्स में फुटबॉल के शौकीन थे। अब्दुल रहीम अपने शुरुआती दिनों में 11 हंटर्स नाम की टीम के लिए खेला करते थे और बाद में कमर क्लब, डच क्लब और HSV हॉक जैसे बड़े बड़े क्लब के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेला करते थे। लेकिन सैयद अब्दुल रहीम की परिस्थिति इतनी खराब थी कि वो फुटबॉल खेलकर अपना घर नहीं चला सकते थे, तो ये साथ में कई सालों तक स्कूल टीचर के रूप में भी काम करते थे। काफ़ी टाइम स्कूल में नौकरी करने के बाद जब उनकी उम्र 30 साल हो गई तब उन्होंने तय किया कि वो अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ फुटबॉल को ही समर्पित करेंगे। उसके बाद सैयद अब्दुल रहीम ने टीचर की नौकरी छोड़कर फुल टाइम फुटबॉल कोचिंग में ध्यान दिया और काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद साल 1943 में उन्हें हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना दिया गया। उस टाइम हैदराबाद सिटी पुलिस क्लब नाम की टीम थी जिसमें जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे जो अंग्रेज के तरीकों से फुटबॉल खेला करते थे। उसके बाद सैयद अब्दुल रहीम हैदराबाद सिटी पुलिस क्लब टीम के कोच बन गए और उसके बाद हैदराबाद की ये टीम इतनी मजबूत बन गई थी कि बंगाल और बेंगलोर जैसी खतरनाक टीमों को हराकर 1943 में एस गोल्ड अपने नाम कर लिया और धीरे धीरे हैदराबाद की ये टीम पूरे भारत में नंबर वन टीम बन चुकी थी। और 1949 आते आते सैयद अब्दुल रहीम इतने फेमस कोच बन चुके थे और अब्दुल रहीम की मेहनत को देखते हुए उन्हें साल 1950 में टीम इंडिया की फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया था। और साल 1951 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए जिसमें इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी मजबूताई से फाइनल तक पहुंची और फाइनल में इंडिया का मुकाबला ईरान से होने वाला था। ईरान उस समय की काफ़ी खतरनाक टीम मानी जाती थी। 10 मार्च 1951 को ईरान और इंडिया का मुकाबला हुआ और पूरे विश्व को हैरान करते हुए टीम इंडिया वो मुकाबला जीत गई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। और देखते ही देखते भारतीय फुटबॉल टीम की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी और बाद में साल 1952 में इंडियन टीम ओलंपिक्स खेलने फिनलैंड पहुंची। भारतीय सभी लोगों को उम्मीद थी कि टीम इंडिया कुछ अच्छा करेगी, लेकिन यूगोस्लाविया के खिलाफ हमारी टीम 10-1 से बुरी तरह हार कर ओलंपिक से बाहर हो गई। इस हार का कारण टीम इंडिया के पास जूते नहीं होने के कारण ये हार हुई ऐसा बताया गया था। और बाद में कोच रहीम ने टीम इंडिया को जूते पहनकर खेलना सिखाया। साल 1956 में टीम इंडिया ओलंपिक खेलने ऑस्ट्रेलिया गई और वहां जाके ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई और टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली एशियन टीम थी। और साल 1958 में इंडियन फुटबॉल टीम शीर्ष पर थी। फुटबॉल टीम को यहाँ लाते लाते कोच रहीम की तबीयत अचानक खराब हो गई और पता चला कि उन्हें कैंसर नाम की बीमारी है, लेकिन फिर भी सैयद अब्दुल रहीम टीम इंडिया के लिए कोचिंग करते रहे। और साल 1962 में जकार्ता में एशियन गेम्स हुए जिसमें इंडियन फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन पॉलिटिकल रीजन की वजह से वहां टीम इंडिया का काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंची। फाइनल में टीम इंडिया साउथ कोरिया के सामने खेलने वाली थी। स्टेडियम में टीम इंडिया का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोच अब्दुल रहीम ने अपनी टीम को मोटिवेट किया और इसी मोटिवेशन के कारण टीम इंडिया 2-1 से वो मुकाबला जीतकर दूसरा गोल्ड अपने नाम कर लिया। उस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड जीतकर इतिहास लिख दिया था और इस दोनों गोल्ड के हकदार कोच सैयद अब्दुल रहीम थे। और जब टीम इंडिया वापस लौटी तब कोच अब्दुल रहीम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी तो उनको कोच का पद छोड़ना पड़ा। और कुछ टाइम के बाद 11 जून 1963 को कोच सैयद अब्दुल रहीम ने अपनी आखिरी सांस ली और सिर्फ 53 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन आज भी इस महान व्यक्ति को याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी फिल्म मैदान और कोच अब्दुल रहीम की। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।